आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बता रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। अर्थला क्षेत्रवासियों और राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पद अधिकारियों द्वारा एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह में व्यापारियों की समस्याओं की ओर से ध्यान दिलाया गया है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के मंत्री जोगिंदर चौधरी ने डे नाइट इंडिया के पत्रकार हरिओम को व्यापारियों की समस्याओं के बारे में बताया कि हमारा मकसद मुख्यमंत्री योगी जी को ये संदेश पहुंचाना है कि ये शनिवार और इतवार को मार्केट बंद होने की वजह से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। शनिवार इतवार को मार्केट बंद ना हो, किसी और दिन मार्केट बंद होने का समय रखा जाए जिससे कि व्यापारियों को नुकसान कम हो। वैसे ही कोरोना बीमारी की वजह से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है। बंद का है वो शनिवार और इतवार का जो है रख दिया गया। अब एक आम नागरिक का जो नौकरी पैसे वाला है, अब उसकी छुट्टी भी शनिवार इतवार में रहती है। उधर को व्यापारियों की जो दुकानें हैं वो भी शनिवार इतवार को बंद रहती है, तो यहाँ का जो आम नागरिक है वो फिर सामान लेने कहाँ जाए। तो हमारा एक तो जो है ये था जो है इस मीटिंग में जो है कि व्यापार मंडल की तरफ से जो है हम ये अपने मुख्यमंत्री जी को जो है यह कहना चाह रहे थे कि जी शनिवार इतवार की जगह अगर और कोई दिन इसका जो है बंद करने का रख दिया जाए तो व्यापारी को काफ़ी लाभ होगा। एक तो ये है कि जो नौकरी पैसे वाले हैं वो अपना सामान जो है यहीं से ही खरीदेंगे, और अगर वो यहाँ से खरीदेंगे तो व्यापार को भी दो पैसा बचेगा। अब क्या है, जिस दिन शनिवार इतवार में जो है छुट्टी होती है, शनिवार इतवार में यहाँ पर जो है व्यापार बंद होता है, तो यहाँ का जो आम नागरिक है वो दिल्ली की तरफ को प्रस्थान कर देता सामान, क्योंकि दिल्ली की तो पूरी मार्केट खुली हुई है। दिल्ली की पूरी मार्केट खुली हुई है, इसलिए तो हम ये चाहते हैं सारे एकत्रित हों और व्यापार एक जो है, और इनके जो है राष्ट्रीय व्यापार मंडल की तरफ से जो है हम ये चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है एक ये संदेश देना चाह रहे थे कि जी हमारा जो है शनिवार इतवार का लॉकडाउन न लगा के बाकी किसी भी दिन लगा दिया जाए, तो जिससे कि व्यापारियों का अपना काम भी चलता है, व्यापारियों का कहीं ना कहीं काम चलता रहे। ये आज की चर्चा में हमारे साथ थे यहाँ पे जोगिंदर चौधरी जी, जो कि मंत्री हैं विधानसभा व्यापार मंडल के। इन्होंने मुझे अच्छे से जानकारी दी, डेटा इन इंडिया से बात कर रहे थे अभी। और एक बात और, इस छूट के लिए बात कर रहे थे कि छूट जरूरी है, शनिवार और इतवार का जो लॉकडाउन है उसको किसी और दिन में चेंज कर लिया जाए। मगर एक बात है जोगिंदर चौधरी जी कि कोरोना चल रहा है, कोरोना के बीच में क्या ये कदम ठीक रहेगा? नहीं, देखो 6 फुट की दूरी है, मास्क है जरूरी। अगर इस हिसाब से अगर व्यापारी भी जो है थोड़ा साथ देंगे, व्यापारियों को भी जो है इसमें जो साथ देना पड़ेगा। देखो बीमारी किसी की सभी तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी को देख के नहीं आती है। हाँ। तो व्यापारियों को भी इसमें सतर्कता ही बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो जो है हर किसी का कर्तव्य है कि कम से कम वो जो है अपने जो है कर्तव्य पे पूरी तरीके से उतरने की कोशिश करें। और जो कि व्यापारी भाइयों से भी मेरी अब यही अपील है कि जिस दिन भी जो है प्रतिष्ठान अपना खोलें, थोड़ा मास्क और 6 फुट की दूरी का जो है पालन जरूर करें। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे योगेंद्र चौधरी जी ने कि व्यापारी भाइयों का भी यहाँ पे काफी नुकसान होता है शनिवार इतवार में, चूंकि सभी ऑफिस और सब उद्यान बंद रहते हैं, मगर दिल्ली खुली होने के नाते सभी लोग दिल्ली का रुख करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे साहिवाद विधानसभा का जो व्यापार मंडल है उसका नुकसान होता है। तो मैं हूँ अर्थले से आपका अपना हरिओम, रिपोर्टर डे नाइट इंडिया टीवी के लिए।